नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड तड़का के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास। तेजस्वी प्रकाश की जीत से सोशल मीडिया का एक तबका बेहद नाराज है। कई यूजर्स ने शो में तेजस्वी की जीत को फिक्स्ड बताया है, तो कुछ ने प्रतीक सहजपाल को ट्रॉफी का असली हकदार कहा। एक यूजर ने लिखा, नहीं वो हकदार नहीं है, कलर्स की बहू है इसीलिए उसे विनर बनाया गया है। देखें यूजर ने क्या लिखा है। नेटफ्लिक्स के आई एम नॉट डन येट शो के कपिल शर्मा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेहद शानदार आगाज किया है। स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए कपिल शर्मा ने लोगों से खुलकर दिल की बात शेयर की। बचपन से लेकर अब तक कपिल शर्मा किन मुश्किलों से गुजरे वो भी बताया। लाइफ के किस्सों पर बात करते करते कपिल ने लोगों को उनके डिप्रेशन के बारे में भी बताया। हाँ सही सुना आपने, डिप्रेशन। अपने आशियाने की चाहत किसे नहीं होती, और जब अपना घर तैयार हो जाए तो ये किसी सपने के सच होने के बराबर जैसा होता है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी मुंबई में अपना आशियाना तैयार कर लिया है। सफेद संगमरमर सा दिखने वाला नवाजुद्दीन का यह टू स्टोरी व्हाइट बंगलो बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है, अंदर के इंटीरियर्स भी उतने ही खास है। ये खुद नवाजुद्दीन ने डिजाइन किया है। कई सारे सेलेब्स ने हाल ही में शादी की है। मौनी रॉय और सूरज नाबिया ने भी शादी कर ली है। साल 2022 में और भी कुछ खास सेलेब्स की शादी करने के चर्चे हैं। इसमें फरहान अख्तर और शिवानी डांडेकर का नाम शामिल है। फरहान अख्तर और शिवानी डांडेकर को लेकर नया खुलासा सामने आया है। कपल मार्च में तो कोर्ट मैरिज कर ही रहे हैं, मगर ऐसी खबरें भी हैं कि कपल अप्रैल में ग्रैंड वेडिंग भी करेंगे।